राष्ट्र गीत के संकेत करत हूँ। अरे वाह, कौनो मरद आ मेहरारू के बीच के बात बा। ओ ए भैया, उ मेहरारू अपना मरद के बड़ाई कैले बा, लेकिन कैसे कैले बा मास्टर कहना बा। उहे बात कहलस, उहे बात कहे झारस जब पाल सैया जी, लहगस का हमाल सैया गली से निकाल सैया जी, उड़ा हवस रुमाल सैया जी। अच्छा दानी बाबूजी के तरफ से बहुत बहुत पुलकी प्रणाम, सबसे पुलकी प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। एगो छोटा सा प्रसंग आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा, हमें आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई। अरे वाह, कहानी ज्यादा समझौला के जरूरत ना बा, आप लोगन के गावत चल जाए, समझ में आवत चल जाए, ज्यादा समय भी ना ले तो कहना है मास्टर। हर बोली शिव से पार्वती, अरे यह सोच मेरा दिल धड़का, मात पिता बिना जग में जन्मे गाते से लड़का।
रानी बाबूजी के तरफ से पुनः 11 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत पलकी प्रणाम, सबसे पलकी प्रणाम कहना बा। ए भैया, एक दिन माता गौरा पार्वती जी बाबा भोलेनाथ से जाके हाथ जोड़ के कलिन के, हे स्वामी, माता पिता हुआ तो लड़की लड़का पैदा हुई हन, हम जानत थी, लेकिन बिना बाप मतारी का लड़की लड़का कैसे पैदा हुई हन, हमारे समझ में ना आवत बा। अरे वाह, बाबा भोलेनाथ इतना बात सुनलन कहलन की बस यह सवाल बा, तो हम तुहके देखा दे थे। उस समय बाबा भोलेनाथ कैलन है का गीत के नमूना हमारे। अरे वाह, कहना बा कैसे, ए देख नुनौटी के ग्राम प्रधान जंग बहादुर प्रधान, अच्छा इहो नाते में जीजल लग गेल। बहुत बहुत पुलकी प्रणाम, सबसे पुलकी प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही कहना बा। हाँ, मगर यह कि भाई नरेगा का पैसा कम हो लगा अभी तो नहीं जनियन, आ 3 दिन पहले ही से तू आल हुआ, ये कुछ पता लगौले रहे के चाहिए। हाँ, कुछ तो बढ़ा कहना बा कैसे। करे मन कहरे सिलावट पर लो धासे, अरे मन कह रे सिलवट पर लोग हासे, कुछ दी जमानी रजऊ को
अच्छा ये देखे बाबूजी आप डॉक्टर जंग बहादुर प्रधान जी नूनवटी से वर्तमान प्रधान हुए 101 रुपए का पुरस्कार और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबूजी आप श्याम नारायण बाबूजी धावा के धरती से बहुत बहुत पुलगी प्रणाम सबसे पुलगी प्रणाम बा आशीर्वाद के चाह रहे ए भैया जब आचरा में पानी छिड़कलन एगो सुंदर लाल पैदा हो गल है चरवा में रोवे लगल हो बाबू माता गौरा पार्वती जी से बाबा भोलेनाथ कहलन कि यह देखल चाहत रहलू अब बचवा ते पैदा हो गल अब एकर सेवा सत्कार तू करा माता गौरा पार्वती जी नहकार दलिन कहलिन के हे स्वामी एक तू ही पैदा कैला तू ही सेवा सत्कार करबा हमसे इकुल होई वही नहीं ओ समय बाबू बाबा भोलेनाथ वह बचवा के लेके झंखत झुरवत हुवन सोचत हुवन अगर कर पालन पोषण ना होई तो दुनिया के लोग संसार के लोग हमके ताना मारी बहना मारी ओ समय देख भइल का गीत के नमूना बा दानी बाबूजी के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत फल के प्रणाम सबसे फल के प्रणाम आशीर्वाद के चाह रहे कहना बा कहना बा करे तोहके चढ़ई बमैया हरे नारी अरे चुनारिया हो की गंगा अरे हो गंगा जी बोझल नैया कैदा थे के पारवा हो की गंगा जी देखा हमरे भैया डॉक्टर अमरजीत के धर्म पत्नी के तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार दोनों प्राणी का आशीर्वाद बा भगवान आप लोगों का जोड़ी ऐसे ही सलामत बनौले रह आप लोगों का प्यार सलामत रखे कबो दरार न पड़े यह हम उनका भगवान से उपदेश बा प्रार्थना बा बहुत बहुत फल के प्राम सबसे फल के प्राम आशीर्वाद के चाह रही कहना बा झंखे लशिव जी ले के ए भैया शिव जी वह बचवा के लेके झंखत झुरवत हुवन कि अगर एक पालन पोषण सेवा सत्कार ना हुई दुनिया संसार के लोग हमके ताना मारी मेहना मारी ओ समय कैलन है का कैलन झंखे लशिव जी ले के गोदी में लाला नवा हो में हनवा होई है अरे हो में हनवा होई है जबना होई है बचवा का पला नवा हो में हनवा होई है जबना होई है बचवा का खदानी बाबूजी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत पुलगी प्रणाम सबसे पुलगी प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही कहना बा ए भैया लेके झंखा झुरवत हुवन कैलन है का कैलन करे पैसाली बिहार पाला वैया दरम्यानवा हो में हनवा होई है अरे हो में हनवा होई है भक्त साहू था नदानवा हो में हनवा होई है भक्त साहू ए भैया बाबा भोलेनाथ वह बचवा के लेके वैशाली बिहार पहुंच गेलन वैशाली बिहार जंगली इलाका पकड़ के जात रहलन ओही समय साहू परिवार
दोनों प्राणी भगवान एक ही गो औलाद ना दिले हुवन हो बाबू, वह जंगली रास्ता पकड़ के जात हुवन बाबा भोलेनाथ देख गईलन। तब भइल का मास्टर, अरे बजनिया बन बीतई बा जिंदगी, अरे बजनिया बन बीतई बा हो बजनिया बन बीतई बा जिंदगी, तब मनसा साव के रहली खेमा दुलहिया दुलहिया। मनसा साव कर रहली खेमा दुल्हनिया, बझनिया बन बीतेबा जिंदगी। ए भैया जंगली इलाका रास्ता पकड़ के जात हुवन दोनों प्राणी, मन उदास बा एकहु गो औलाद ना भगवान दिले हुवन। ओही समैया देख भइल का भइल, जात रहले दोनों प्राणी साथ हो, जात रहले दोनों प्राणी साथ। ए भैया उह राह पकड़ के दोनों प्राणी जात हुवन बाबा भोलेनाथ का निगाह पड़गल ओ दोनों बास बाजिन के ऊपर। तब भइल का खलल वही रास्तवा में बचवा के रख के अपने एक तरफ छिप गिलन हो बाबू। जब दोनों प्राणी पहुंचलन ओ बचवा के उठा ले हलन, तब भइल का कि अरे रहिया में लाल पवाले, ए भैया कईले पलाना मावा रखायल गारी नाथ हो, ए भैया दोनों प्राणी का निगाह पड़ल वो बचवा के उठा लेलन छछन गिलन हो बाबू। एकहु गो औलाद ना बा, छछन गल करे जा दोनों बचवन। वह दोनों प्राणी वह बचवा के उठा के घरे लगलन सेवा सत्कार करे लगलन, बहुत प्यार दुलार से वह बचवा का नाम गरीनाथ रख देलन। जब गरीनाथ रखलन यहाँ का बात ऐजा छोड़ा, वही वैशाली बिहार का रहे वाला एगो राजा जकरे एक ही गो औलाद बा, एक ही गो औलाद बा। एक दिन एको घटना घटल, घटना कैसन घटल बा बाबू गीत के नमूना। दानी बाबूजी के तरफ से प्रदान भेल बहुत बहुत प्रगत प्रणाम, सबसे प्रगत प्रणाम बा आशीर्वाद के चाह रही कहना बा कैसे कौनो मेहरारू का मरद का आदत बड़ा खराब रहल। उ रोज रोज बियर बार में जाओ, बियर बार का होला भाई, इनके बियर बार पता ना हो। रोज के रोज बियर बार में जाओ, जब एक दिन घरे आइल बा मरद लगा बजा के मस्त बा एकदम, गेमवा में लोग हुआ नाम नहीं लेवे लखा। मेहरारू एक दिन कहलस, कलस की सुनाई रोज रोज के तुहारी आदत ठीक ना हो, एगो काम करा। क्या कहले बा, रही में मजा ले ला राजा पियर पारी के, रही में मजा ले ला
हाँ मैं कहना बा वही वैशाली बिहार के रहे वाला एगो राजा जेकरे एक ही गो औलाद बा संपत्ति बहुत बा महल अटारी बहुत कुछ बा ए बाबू धन दौलत के कमी ना बा लेकिन एगो घटना घटल बा कौन घटना घटल कहना राजा रानी सोचे अब कले ही राजपाट के औलाद के सर्फ डसले बा ये भैया जहरीला सर्फ जब डसले बा हो बाबू मूर्छित हो गई लंग मुहावा से गाज आवे लगल हो बाबू इतना बड़ा राजा हो वन गांव पुर के लोगन के पता चल तमाम भीड़ लगल बा तमाम लोग जुटत हुवन सब लोग अपने अपने तरह से उपचार करत हुवन हे बाबू लेकिन कौनो सफलता ना मिलल तो भइल का कहना बा वैशाली नगरिया हमें मौज गईल सोर हो केहू ना बचावे वाला या चेतक सोर हो सरोज बनकी मिलिया के धरती से डॉक्टर का बड़का जीजा हुए बहुत बहुत पुलगी प्रणाम सबसे पुलगी प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही कहना बा ए भैया आखिरकार अच्छा स्वर्गीय हमारे जीजा जी रामलाल जीजा जी के बड़की बहू हैं आपके आशीर्वाद बा आप सबसे पुलगी प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही ए भैया जब सर्फ डसले बा तमाम लोग अपने अपने तरह से दुआ दारू करत हुवन बाबू उपचार करत हुवन लेकिन कौनो सफलता ना मिलल ओ समय बाबू राजा साहब दोनों परानी सोचत हुवन इतना बड़ा संपत्ति बा धन दौलत बा अब लगत बा एकर कौनो वारिस ना एक ही को हमार औलाद रहल इतना बड़ा संपत्ति बक्के देखे के चलाई ए भैया तब तक वह रास्ता पकड़ के गरीनाथ आ गईलन वह गरीनाथ जौना गरीनाथ के भगवान भोलेनाथ माता गौरा पार्वती जी के आचरा में पानी छिड़क के पैदा कैले रहलन जेके साहू समाज के उ दोनों प्राणी लेके पालन पोषण कैले रहलन ए भैया गरीनाथ जब पहुंचलन देखलन देख के एक बात कहलन ओ राजा साहब से कैसे कहलन मास्टर ए देखन डॉक्टर अमरजीत के सघुवाइन के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार अच्छा डॉक्टर अमरजीत के भाभी के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मदारपुर के धरती से आशीर्वाद बा सबसे पलगी प्रणाम आशीर्वाद के चाह रहे कहना बा ए भैया गरीनाथ जब पहुंचलन राजा साहब से एक बात कहलन ए राजा साहब आपका बेटवा जरूर जीवित होइहन
जीवित हो जाइए लेकिन एगो काम करे के पड़ी। कौन काम बा? कौन काम कहना बा? कैसे दानी बाबूजी की तरफ से बहुत बहुत पुलकी प्रणाम, सबसे पुलकी प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया जाके गरीनाथ कलन के, ए राजा साहब आपका बेटवा जरूर उठ के खड़ा हो जिहन, जीवित हो जिहन, लेकिन कुआर बाछी दूध देही तब। ए भैया अचंभव वाली बात हो गई, तमाम भीड़ लगल बा, सब लोग सोचत बा कि कुआर बाछी कहाँ से दूध देही। ई लगत है मनसा साहब का बेटवा गरीनाथ पगला गल है, एकदम सनक गली। बतावा भला कुआर बाछी कहाँ से दूध दही? अरे जवन पियाइल बा तवन तो सही से देते नहीं बा, ओहू के डंडा मार बा। ओ भैया आ ना ही लगत बा तो वो आजकल का लोग छोड़ देते हुआ जंगल में। ठेर हो गई है ज्यादा करके, ज्यादा करके प्रधान लोग छोड़ते हैं। आई एकदम पगलागल कहत बा कुआर बाछी दूध दही तो हमारे बेटवा उठ के खड़ा हो जाये। एक बोरी हमारे लड़का मरल बा, आई बिंगवा बोलत है आके, गुस्सा में हो गई लन। लेकिन गरीनाथ कलन के राजा साहब गुस्सा मत हुआ, कुमार बाछी लिया दा अगर दूध दे दही तो आपका बेटवा उठ के खड़ा हो जाये। ए भैया राजा साहब कलन के अगर खड़ा ना हुई तब कलन के जवन सजा देवे को ही दे दिया, तब कहना पा। कर लागे या संभव अठो के सब माथ हो, और मिल जाई दुधवा बोले गरीनाथ हो। अरे बचवा जरूर बूटी, अरे बचवा जरूर बूटी पिहाये राजा कुआर बाछी दूध दिहाये। दानी बाबू जी की तरफ से बहुत बहुत पुलकी प्रणाम, सबसे पुलकी प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया आखिरकार राजा साहब बात मान ले हलन, कुआर बाछी लिया दे हलन, कुआर बाछी लिया दे हलन। जब आ गई कुआर बाछी तमाम भीड़ लगल बा, ये भैया सब लोग सोचत बा कि गरीनाथ कैसे दूध निकली हन। तो उस समय भैया चमत्कार हो गई, कहना बा वो विधि का विधान भी गजब बा। ए भैया कहना बा कैसे? अरे
बछिया अरे तुहन लागे गरीनाथ थन सहला ए भैया राजा साहब कुंवर बाछी मंगौलन गरीनाथ बल्टी लेके गईलन वह बछिया के थन सहला करके पीठ थपथपा के बाबू बैठ करके एक बल्टी दूध निकाल दहलन। जब दूधवा निकलन वही समय चमत्कार हो गिल हो बाबू ताली गुजे लागल गरीनाथ का जय जयकार होखे लागल हो भैया। लेकिन एगो और चमत्कार भइल कैसे करे एक बल्टी दूधवा राजा के दई दिहाला से गयल कहरा जूरा हर उठ के बैठ गई राजा का बेटौआ ए भैया उठ के बैठ गई राजा का ललनावा अरे गरीनाथ के गयल पता का फहरा भैया एक बल्टी दूध निकाल के ले जा करके राजा साहब का बेटवा जवन की मर गल हुन बाबू लेटावल बन जमीन पे सफेद चादर ओढ़ावल बा चादर हटा करके बाबू वो बल्टी में से दूध एक बूंद निकाल के राजा साहब के बेटवा के मुहवा में डलन है बाबू। दुइया मिनट के बाद बचवा उठ के खड़ा हो गई। ए भैया जब खड़ा भइल जय जयकार होखे लागल जय जयकार होखे लागल हो भैया गरीनाथ के लोग गोद उठा ले हलन बाहर गरीनाथ कैसन चमत्कार दिखा दिहला। वही समय से यहाँ का बात ऐजा छोगा साहू समाज के लोग वो वैशाली बिहार में गरीनाथ का पूजा करे लगलन। कौना दिन के कैसे कैसे कहना बात कैला गरीना खेला नहीं के नाम पर भागो में मेला जी निराला खेलवा लागे उन्हीं के नाम पर भादों में मिलवा। बाहरे हमरे बड़े भैया बुढ़ौती में अभी जोर बा परम पूजनीय परम सम्मानित हमरे बड़े भैया आप रमासर भैया तनी मंच पे खड़ा हो जा आपके सम्मान कर ले बस एक बार आप खड़ा हो जा आपके भाई का छोट भाई का दिली इच्छा बा खड़ा हो जा मंच पर नहीं खड़ा हो अब ही बुढ़ौती में जोर है। माने वाली बात बा माने वाली बात नहीं बल्कि हकीकत बात बा अभी अपने चुनार से लेकर के पूरे राजगढ़ सतीशगढ़ तक ये पहाड़े ऊपर हमरे भैया इस कोनो कोरस वाले ना हन ये हमके गर्व है ये बात का। इन्हीं लोगन के देन से इन्हीं के देन से आज हम बिरहा गावत थी तो हमारे भैया का आशीर्वाद बा सहयोग बा ऐसा ही सहयोग आशीर्वाद हमरो ऊपर आप लोगन के बनल रहे हमारे भैयों के ऊपर बनल रहे। बहुत बहुत पलकी प्रणाम सबसे पलकी प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही ए भैया गरीनाथ जी चमत्कार का देहलन साहू समाज के लोग पूजा करे लगलन तो कैसे गरीनाथ खेलवा
जरा खेलवा और लागे उन्हीं के नाम पर भादो में मिलवा तो करे साहू समाज सब अकारे ला पूजा नवाम करे होला मंगल दायक गौरी नाथ दरसाना करे श्रद्धा से पूजे भक्त लाला बेलवा कौने दिन के लगल है कहां पे लगल बा कहना बा करे कृष्ण जन्म अष्टमी के बाद शनिवार हो कृष्ण जन्म अष्टमी के बाद जौन शनिवार पड़ल वही शनिवार के मेला लगल कैसे कृष्ण जन्म अष्टमी के बाद शनिवार हो करे पलवैया धाम भीड़ लागे परियारी हो भजन भाव जहां गुरु चलवा के नहीं के नाम पर भादो में मेलावा से बिरहा समाप्त भइल अंतिम लाइन में खानदान के परिचय तक गुरु बिहारी गुरु गणेश आ गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग बस गया चंद्रिका कवि बच्चन जीवन पुजारी अपन जिंदगी तब पर मनी रामा कभी के भाव